शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर एस्ट्रोलॉजी का एक बाजारों के सितारे में जानेंगे कि आज एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि आज आपका राशिफल शेयर बाजार और कम्युनिटी बाजार का हाल कैसा रह सकता है। सबसे पहले जानेंगे आज का राशिफल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश आदि जी एवं मार्केट टाइम के सभी दर्शक बंधु, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम सीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो 23 मार्च 2022 में को प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, इस शो में हम आपको राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान की संभावना, एग्रो कम्युनिटीज के अंदर क्या रहेगी संभावना, शेयर मार्केट क्या कहता है और नॉन एग्रो कम्युनिटीज के अंदर क्या रहेगी संभावना, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा कल हमने आपको बुलियन संदर्भ कमजोरी की संभावना व्यक्त की थी। लाइव चलते बाजार के अंदर जब सिल्वर कल 650-700 रुपए ऊपर ट्रेड कर रही थी, उस वक्त हमने मार्केट टाइम्स टीवी पर लगभग 11 बजे आपको ये भविष्यवाणी दी थी, ये एनालिसिस किया था कि बुलियन के अंदर आज कमजोरी की संभावना बनती है। और कल बुलियन ने 600 रुपए की तेजी दिखाने के बाद लगभग 1000 रुपए से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, लगभग 1600 से 1700 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज हुई। मतलब ये भविष्यवाणी हमने आपको कल के शो में दी थी। कल का शो हमारे चैनल मार्केट टाइम्स टीवी पर उपलब्ध है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कपास खली, जीरा, धनिया और गवार के ऊपर ये चार कम्युनिटीज पर चर्चा की थी, चारों ने अपना जबरदस्त रंग दिखाया। कपास खली ने तो कल 6% का अपर सर्किट दिखाई दिया, जीरे ने भी बहुत शानदार तेजी दिखाई दी और धनिया ने भी तेजी दिखाई दी और गवार कॉम्प्लेक्स में भी सकारात्मक रूप देखा गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इसमें हमारे इस शो से आपको लाभ मिल रहा होगा। अब आज की सबसे पहले आज का राशिफल, गौरतलब है कि इन बार बाजारों के अंदर उतार चढ़ाव के अंदर तेज बाजारों के अंदर भी लोगों को नुकसान देखने को मिलता है और कई बार तीसरे बाजारों में भी लोगों को फायदा हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब आपका राशियों का ही कमाल है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी कोर एलिमेंट के अंदर विभक्त किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। गौरतलब है कि अग्नि का संबंध वायु से बहुत शानदार बनता है, जबकि अग्नि का संबंध जल से बिल्कुल विपरीत नहीं होता। पृथ्वी और जल का संबंध शानदार होता है, लेकिन पृथ्वी और वायु का संबंध बिल्कुल मुफीद नहीं होता। जल का संबंध अग्नि से खराब होता है, लेकिन पृथ्वी से शानदार होता है। तो गौरतलब है कि ये सभी तत्वों का आपस में बैलेंसिंग करना निश्चित रूप से आपकी सफलताओं में ऐड कर देता है। यदि आप अपने तत्वों से संबंधित काम करेंगे, अपने तत्वों से संबंधित व्यक्तियों से भागीदारी करेंगे, अपने तत्वों से संबंधित कारोबार या नौकरी पेशा करेंगे, तो आपको उसमें आनंद अधिक आएगा और आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और इसके विपरीत आएंगे तो वही होगा कि पसंद कुछ और है, काम कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, तो ये अक्सर मिसमैच होता है, वही तरक्कियों में रोड़ा आ जाता है। तो सबसे पहले जल अग्नि तत्व की राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह या धनु राशि आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। प्रति तत्व की 3 राशियां हैं 2, 6, 10 यानी वृश्चिक, कन्या और मकर राशि, आपके दिन ये दिन आज निश्चित रह सकता है। 3 से 4 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, वायु तत्व की राशियां हैं, दिन आपका मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमा सकते हैं। 4, 8, 12 ये है जल तत्व की राशियां, कर्क राशि और मीन राशि, दिन आपके लिए संभवतः निश्चित रह सकता है, सावधानी रखें 1 से 2 बजे के बीच में। ये 4 राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। ये अखिलेश जी,
जी कर्नल अजय जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें यहाँ से, अगर आप एग्री कम्युनिटीज़ की कम्युनिटी बाजार से, तो कल आपने धनिये में तेजी बताई थी और आज भी हम देख रहे हैं धनिये में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, तो क्या आज धनिये में और तेजी देखने को मिल सकती है? आपका विश्लेषण क्या कहता है और एस्ट्रो फाइनेंस क्या कहती है? देखिए धनिये के अंदर मैंने आपको कल भी यही कहा था, पिछले कई क्यों से लगातार यही कहा है कि धनिये की पाइपलाइन टाइट है, फसलों की शायद बहुत अच्छी नहीं है और रिक्वायरमेंट इसकी लगातार बढ़नी चाहिए, तो इसको देखते हुए धनिये के अंदर ये जो इंटरडे ट्रेडर है उनको शॉर्ट करने से बचना चाहिए, यानी बिकवाली करने से बचना चाहिए, इसमें तेजी की संभावना बन सकती है। जी इसके साथ कर्नल अजय जी, हमने जीरे में भी कुछ यहाँ पे बढ़त बनते हुए देखी है, निचले स्तर से जीरे में भी कुछ खरीदारी लौटी है, क्या मान लिया जाए कि अब जीरे के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, जीरा लगातार तेजी की ओर ही जाएगा या फिर यहाँ से तेजी के बाद जीरे में मुनाफा वसूली भी जरूर बनेगी? देखिए जीरे के अंदर भी कमोबेश जो मसाला पैच है, आपको याद होगा कि हमने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान इसी चैनल पे कहा था कि ये साल मसाले के लिए शुभ रह सकता है, अच्छा रह सकता है, क्योंकि फसलें ना काफी साबित हो सकती हैं, डिमांड लगातार बढ़ सकती है, निर्यात यानी एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं, और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लाल मिर्च में आप देख लीजिए कि लगातार बहुत बड़ी तेजी बनी, धनिया जीरे के अंदर भी अभी 2 से 2.5 महीने पहले जो 6500 रुपए कुछ नहीं रहा था, आज 10,000 के ऊपर चल रहा है, जीरे के अंदर भी 13-14 हजार पे कोई बात नहीं सुन रहा था, 15 हजार पे आज देखिए 20-21 हजार के ऊपर की ट्रेड हो रहा है, तो लाल मिर्च के अंदर भी तेजा और जो 80-90 रुपए के भाव की थी आज 150-200 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है, तो ये सब जो कमोडिटी सुपर साइकिल का कमाल है, क्योंकि गौरतलब है कि जब शेयर बाजार या बाकी बाजारों के अंदर स्थिरता आती है तो उसका इंपैक्ट आप कमोडिटी बाजार में देख सकते हैं, और कमोडिटी का जो साइकिल है वो एक शानदार साइकिल के रूप में उभर रहा है, और चाहे वो कॉटन हो, चाहे आप सोयाबीन हो, चाहे आप मसाले देख लीजिए या ये सब उसी का हिस्सा है, या मेटल्स के अंदर आप स्टील देख लीजिए, निकल देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, ये सब शानदार है, तो इसके अंदर मौका मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम तो, लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखिए कि जीरे के अंदर आज तेजी बन सकती है, जीरे के एक और मैं आपके आपको खुलासा कर रहा हूँ, जीरे के अंदर ऊपरी स्तरों के ऊपर एक बार बहुत जबरदस्त झटका भी लगेगा, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि जो लेवल्स आ रहे हैं और वो झटका कब लगेगा धनिया और जीरे के अंदर उसका खुलासा हम आगे आने वाले शो में करेंगे, तो आप हमारा शो बिल्कुल मिस मत करिए जो 11 बजे के लगभग मार्केट टाइम्स के ऊपर लाइव प्रसारित होता है, तो दर्शक बंधु वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मसाले पैक के ऊपर हम आने वाले 2-3 शो के अंदर कुछ ऐसे अद्भुत आगे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। गौरतलब है कि हमने सबसे पहले आपको कॉटन में तेजी की बात कही थी, सबसे पहले सोयाबीन में तेजी की बात कही थी, सबसे पहले ये आवाज उठाई थी कि एमआरपी और एमएसपी का आपस में संबंध होना चाहिए, ये भी आवाज उठाई थी कि एमआरपी का भी एक विश्लेषण होना चाहिए कि जब बाजारों के अंदर भाव घटते हैं तो एमआरपी भी उसी प्रपोर्शनेट में घटनी चाहिए, ये मार्केट टाइम टीवी के माध्यम से अपनी आवाज उठाई थी उसमें, और उसके बाद सरकार ने भी कुछ इसमें कदम उठाए थे कि ना एमआरपी को भी कहा गया था कि आप इसको मिनिमाइज करें जैसे देखते हैं उसके साथ में होना चाहिए, तो दोस्तों इस मार्केट एंड टीवी के माध्यम से हम आपको वो चीज बताते हैं, वो चीज आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो कि किसानों के लिए हितकारी हो, छोटे कारोबारियों के लिए हितकारी हो, ये सिर्फ बड़े और बड़े कारोबारियों के लिए हितकारी नहीं हो अपितु पूरे कारोबारी जगत के लिए हितकारी हो, चाहे वो गवार कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आप मसाला पैक हो, चाहे कॉटन कॉम्प्लेक्स हो, चाहे तिलन हो, चाहे दलहन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो जहाँ तेजी होगी याद रखिए वहां मंदी अवश्य आएगी, और जहाँ मंदी है वहां पे तेजी अवश्य आएगी, हर रात के बाद दिन है, हर दिन के बाद रात है, और हर सांस लेनी भी पड़ेगी, छोड़नी भी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट आज तक नहीं हुआ है, लेकिन टाइमली यदि आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, टाइमली आप खरीद लेते हैं, मंदी में खरीद लेते हैं, तेजी में बुक कर लेते हैं, तो आपका कारोबार शांति से और शानदार चलेगा, लेकिन तेजी में और तेजी करेंगे और तेजी करेंगे और मंदी के अंदर और मंदी करेंगे तो आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी, हमने कपास खली की बात करें अगर, तो हमने कपास खली में भी बढ़त बनते हुए देखी है, क्या कपास खली के कुछ फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से कपास खली में इतनी तेजी देखने को मिली है, और क्या कपास खली में यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली बन जाएगी?
अक्षय जी आपको याद होगा कि आप ही के साथ हमने इसी टीवी चैनल के ऊपर कपास खली और कपास के ऊपर विस्तृत विश्लेषण किया था। हमने यही कहा था कि कपास खली जो है इसमें इन लेबल्स के ऊपर बैन बनती है, क्योंकि 3400 के ऊपर सबसे पहले हमने आपको कहा था कि यहाँ पे आप मुनाफा वसूल कर लो, 5-8-10% थोड़ा टूट सकता है और उसके बाद वो टूटा भी लगभग 10%। देखिए अब महत्वपूर्ण यह है कि कपास के जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कपास बिल्कुल उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो 29.5 mm की कपास है, 76 mm की कपास है वो बेसिकली जो ए ग्रेड की कपास है या बी ग्रेड की क्लास की कपास है उसकी शॉर्टेज रहेगी, उसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि वजह है कि हर साल कपास खली के कपास के अंदर जो प्रोडक्शन होता था उसमें अच्छी क्वालिटी का मात्रा अधिक होती थी, लेकिन इस बार उसकी मात्रा कम है, इसी वजह से कपास के अंदर अच्छी कपास की क्वालिटी और वो उसकी मात्रा कम होने की वजह से ये फर्क आ रहा है। दूसरा, किसान अच्छी क्वालिटी का किसानों के साथ साथ डीलर्स भी जिन्होंने नीचे के भाव में माल खरीदा है हमारे शोध को सुन के या अपनी बुद्धि से वो कपास ए ग्रेड क्वालिटी को आसानी से माल बेच नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि जो स्पिनिंग मिल की जो रिक्वायरमेंट होती है वहां पे भी अच्छी क्वालिटी की ही कपास की आवश्यकता होती है, उनकी बाइंग के अंदर भी एक समस्या और है कि नॉर्मली जो स्पिनिंग मिलता है वो जो कॉटन खरीदते हैं अच्छी क्वालिटी की वो 15 से 20 दिन का तो कम से कम स्टॉक रखते ही है, और जो बड़े मिल रहे हैं वो 30 से 40 दिन का स्टॉक रखते हैं। अब समस्या ये आ रही है कि अच्छी क्वालिटी का कॉटन धीरे धीरे बाजार से कम हो रहा है और इसलिए अवेलेबल नहीं हो रहा है, चाहे आप तमिलनाडु देख लो, चाहे कर्नाटक देख लो, चाहे इधर अपन लोअर अपर राजस्थान देख लो, इधर पंजाब देख लो या फिर महाराष्ट्र और गुजरात देख लो, तो वहां पर लगातार अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन है उसकी अराइवल कम होती जा रही है। अभी ये लगभग 40,000 से 50,000 बेल तक की रहेंगी और यही सब यही वजह है कि किसान अपना माल रोक रहे हैं, डीलर्स अपना माल रोक रहे हैं, इससे बिनोला भी बाजार में कम आ रहा है। जब बिनोला कम होगा तो निश्चित रूप से बिनोला खल जो है वो भी उसकी मात्रा भी सीमित हो जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि बिनोला खल की कीमतें यदि जमीन आसमान को छुएंगी तो पशुपालक जो है या डेयरी फार्मिंग वाले जो काम करने वाले हैं वो कपास खली के अंदर बाकी दूसरी चीजों की मिक्सिंग करना चालू करेंगे, चाहे वो दूसरे खाद्यान्न में हो, और यही वजह है कि कपास खली एक सीमा से जाकर से अधिक ऊपर जाने में उसको तकलीफ आती है, क्योंकि पशु आहार के रूप में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसके अंदर वो मिलावट होनी चालू हो जाती है। अब ये सरसों खा लिए बाकी और दूसरे जो केक है चाहे सरसों के हैं चाहे सोया के हैं, लेकिन सबसे अधिक जो पशु को सुरुचिपूर्वक जो उसको पसंद है वो बिनोला खा गया, और इसी वजह से बिनोला खल की डिमांड हमेशा रहती है। अभी इसका डिमांड और प्राइस के अंदर यदि सामंजस्य रहता है तो इसके अंदर और भी तेजी रहेगी, लेकिन जो निचले स्तर पर जिन्होंने डेढ़ महीना जो ये कपास खली 3,3100 रुपए के 2950 के भाव रहे इसके, और इन लेबल के ऊपर और ये भी सुनने में आया कि एनसीबीएस के ऊपर भी कपास खली का काफी बड़ा स्टॉक हाजिर के अंदर जमा हो रहा है, तो ये सब जो ये सूचनाएं हैं सब कुछ है, लेकिन कुल मिला के मुझे कपास खली के अंदर कमजोरी नजर नहीं आती आज के दिन। कल आपको याद होगा हमने कपास खली के अंदर ये पूरा डिटेल कपास से आपसे बात किया था कि इसमें गुलाबी सूंडा और कितना अराइवल है, ऐसा पूरी डिटेल में बात की थी, और कल 6% का अपर सर्किट कपास में देखा गया। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको यही कहना चाहता हूँ अखिलेश जी राठी के माध्यम से, धमाके टाइम्स टीवी के माध्यम से, तेजी आने के बाद सारी दुनिया तेजी कहती है, मंदी आने के बाद सारी दुनिया मंदी कहती है, या उसका पोस्टमार्टम करती है इस वजह से मंदी आई, यहाँ पैसा हो गया वहां पे वैसा हो गया, वहां पे विदेश में ऐसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। अरे जब तक आप मंदी आने से पहले नहीं बताओगे या तेजी आने से पहले आप अनुसंधान नहीं करोगे तो आप उस अनुसंधान और उस विश्लेषण का फायदा क्या है, या फिर आप 6 महीने 8 महीने शांत कर भाव दोगे तो 6 महीने 8 महीने के बाद में क्या होता है उसके बाद में किसने देखा है, आप तो तुरंत बताओ तभी तो फायदा निकलेगा, लेकिन सारी चीज हमेशा हर चैनल के ऊपर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज भी नहीं होती है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। तो विशेष चीज यही मैं कहूंगा कि जो तेजी वाली कमोडिटीज है चाहे वो सोया हो चाहे कपास हो या इन सब में मंदी के झटके लगने वाले हैं, इसमें कोई डरा नहीं, लेकिन वो कब लगेंगे उसके लिए प्रोग्राम आपको लगातार देखना पड़ेगा, लगातार सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि टाइमली प्रॉफिट बुक करना
उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार एक पेड़ के ऊपर फल है। अभी उस पत्ते के फल को आप नहीं तोड़ोगे तो पक्षी खाएंगे, और अगर पक्षी से भी थोड़ा कुछ बचेगा तो वो गिर के जमीन पे बीज के बीजों का निर्माण करेगा, लेकिन आपके हाथ नहीं आएगा। तो पॉइंट ये है कि जो व्यापारी है टाइमली प्रॉफिट ले लें, वो अपना निर्धारित कर लें, अपना नफा और नुकसान दोनों निर्धारित कर लें, क्योंकि कारोबार का मतलब बेचना और खरीदना दोनों है। खरीदना खरीदना नहीं है, सिर्फ बेचना बेचना नहीं है। यदि आप खरीद और फर्क दोनों टाइम पे कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग चाहे वो हाजिर की हो चाहे वायदे की हो, हमेशा से ही उसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जोखिम का इन्वॉल्वमेंट है। यदि जोखिम ना हो तो हर आदमी व्यापार कर ले, हर आदमी वायदे के अंदर ट्रेड कर ले, हर आदमी दुकान खोल के बैठ जाए, हर आदमी मिल खोल के बैठ जाए। इस जोखिम की वजह से ही आप कमा रहे हैं। अभी इसमें जोखिम नहीं हो तो 130 करोड़ जनसंख्या के अंदर सब लोग इसमें कूद पड़ेंगे, कोई नौकरी नहीं करेगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको अपना रखना पड़ेगा। कितना नफा या कितना नुकसान, नफा तय असीमित हो लेकिन नुकसान का आपको निर्धारण करना पड़ेगा कि मैं इतना नुकसान झेल सकता हूं, उसी हिसाब से अभी आप ट्रेड करेंगे तो हमेशा बेहतर रहेगा। ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आपको स्वयं का अध्ययन, विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नफा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, कोई दूसरा इसमें नहीं है। मैं शामिल हूँ या कोई दूसरा एनालिस्ट शामिल है, ये डिस्क्लेमर देना हर फाइनेंशियल शो के लिए आवश्यक है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से, अगर अब नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने चांदी की, तो सोने चांदी में हमने बीते दो ट्रेडिंग सेशन से एक सीमित दायरे में कारोबार होते हुए देखा है, आपको क्या लगता है और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक क्या अब सोने चांदी में ऐसे ही रुझान रहेगा या फिर आगे अच्छी तेजी भी बनेगी? क्योंकि मैंने अभी इससे पहले जो मैं खरी के अंदर मैं आपसे यही कहा था कि तेजी और मंदी किसी भी कमोडिटी की फितरत है, दिन और रात तेजी मंदी नफा नुकसान ये सब फितरत है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसमें वो ही जीतेगा जो टाइमली प्रॉफिट बुक कर लेगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि आपको याद होगा कल हमने आपको बिल्कुल ये कहा था कि ये तेजी दिखा रही है चांदी, लेकिन मैं इस लेवल पे खरीदने को तैयार नहीं हूं, मुझे यहां से कमजोरी दिख रही है। और कल देखिए चांदी ने करीबन 1700 रुपए की मूवमेंट दी, जो कमोडिटी 650-700 रुपए ऊपर चल रही थी वो 1000 नीचे तक गई, यानी 1600-1700 रुपए का स्विंग हो गया, और वो बहुत बड़ा स्विंग माना जाता है। कल दर्शकों ने भरपूर लाभ भी उठाया होगा। तो बुलियन के अंदर आने आज मुझे वॉलेटिलिटी दिखती है, इसमें अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। जो छोटे ट्रेडर्स इसमें बिल्कुल ना घुसे, बड़े ट्रेडर जरूर इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर अब शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आपको क्या लगता है, शेयर बाजार में अब कैसी मार्केट देखने को मिल सकती है आज के कारोबारी सत्र में? जी अखिलेश जी, कन्हैया जी शेयर मार्केट की बात करें तो आज के कारोबारी सत्र में शेयर मार्केट कैसी देखने को मिल सकती है? देखिए शेयर बाजार में बहुत शानदार मूवमेंट दिए, मेटल स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहे हैं, वेदांता हो, टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, ओएमसी हो, कोल इंडिया हो, बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट इसमें मूव दिखा रहे हैं, इसमें कोई डराया हुआ नहीं है। लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी अधिक सावधानी रख लेनी चाहिए, और इसमें निफ्टी को नहीं ध्यान में रखें, यदि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अंदर आप फार्मा स्टॉक की तरफ नजर रख सकते हैं, चाहे डॉक्टर रेडी हो, फाइजर हो, इस पर नजर रखिए, साथ साथ में इंश्योरेंस कंपनियों पर भी नजर रखिए, चाहे आप ICICI प्रूडेंशियल हो या HDFC लाइफ हो, इन इंश्योरेंस कंपनियों पर भी आप नजर रखिए, या नेक्स्ट हो इन इंश्योरेंस कंपनियों पर आप नजर रखें। इसके अतिरिक्त 1 या 2 दिन की ट्रेडिंग को ध्यान में रखे यदि आप देखना चाहते हैं तो लीकर स्टॉक्स के अंदर भी आप नजर रख सकते हैं। लीकर स्टॉक्स के अंदर विशेषकर आप क्रेडिको खेतान है या यूनाइटेड ज्वेलरीज है, इन पे नजर रख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो आपको याद होगा कि हमने करीबन
12 से 15 सेशन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भविष्यवाणी की थी आप इसी चैनल पर ऊर्जा संकट के ऊपर। यदि यदि आपको याद हो तो ये 20 तारीख के आसपास थी, 19 से 20 तारीख के बीच में, तो यही कहा था कि ऐतिहासिक ऊर्जा संकट कभी भी पैदा हो सकता है और वो ऊर्जा संकट का बिल्कुल समय चालू हो गया है और ये कभी भी परेशानियां पैदा कर सकता है इंडस्ट्री के लिए। और जो बिजली की समस्या है, बिजली की कटौती है या बिजली की वो है, और उसमें तो उसके अंदर जो है ये आने वाले 12 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो विशेषकर मैं आपको यही कहूंगा कि खासकर जो बिजली की जो कंपनियों के जो शेयर है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो या REC हो या फिर टाटा पावर हो, इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। निवेश की दृष्टि से एक अच्छे अच्छे साबित हो सकते हैं। अब तो इनके ऊपर सेकेंडरी का अच्छा मूवमेंट है, आप दे दें इन कंपनियों पर, आप रखें सरकारी कंपनियों पर नजर आप रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि निवेश करने वाले हमेशा जीतते हैं, सट्टाबाजी करने वाले कभी जीतते कभी हारते हैं, तो उसको विशेष ख्याल रखें। तो और सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप अप्रोच करें, आप निश्चित अगर कमजोरी की संभावना कभी भी बन सकती है 12-11 बजे के बाद, अभी तकरीबन 11:30 बजे से 1-1.5 बाद की है और उसके बाद गिरावट की संभावना बन सकती है, तो इसमें ध्यानपूर्वक करना ये जी। कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों की सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।